शहर की दिल्ली बेस मरम्मत के नाम पर विगत 4-5 सालों से बंद कर दी गई शहर की एक तिहाई आबादी को यातायात की बड़ी मुश्किल हो गई है। अब तक किसी राजनीतिक पार्टी और जनप्रतिनिधियों ने बेस खुलवाने को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। नागरिकों ने सांसद, विधायक एवं जिलाधिकारी को कई मर्तबा ज्ञापन दिए, लेकिन अब तक कार्रवाई शून्य रही। इसलिए जनता के इस मसले को लेकर करांजा AIMIM ने शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में सड़क के गड्ढों में बैठकर 22 अक्टूबर को आंदोलन किया और विधायक राजेंद्र पाटनी का रास्ता रोककर जनता की परेशानी से अवगत कराते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञातत्व रहे कि शहर के बीचों बीच मुख्य रास्ते पर दिल्ली बेस खड़ी है, जिसके नीचे से शहर की 35% आबादी आवाजाही करती है। इस बेस के नीचे से नागपुर औरंगाबाद हाईवे को जोड़ने वाली सड़क खस्ता हाल है। इतने बड़े बड़े गड्ढे इस सड़क पर बन गए हैं कि बरसात में पैदल चलना तो छोड़िए, 2-व्हीलर और 4-व्हीलर भी ढंग से नहीं चला सकते। इसी सड़क से केएन कॉलेज, हैप्पी इंग्लिश स्कूल, चवरे जूनियर कॉलेज, मॉडर्न मदरसा एवं जकरिया मदरसों के विद्यार्थियों की दिन रात आवाजाही रहती है। इसी सड़क से काजी प्लॉट, लाहौटी कॉलोनी, शिक्षक कॉलोनी, भीमनगर, लक्ष्मी नगर, आनंद नगर, मेमन कॉलोनी के तीनों भाग, हयात नगर, नूर नगर, जिया कॉलोनी आदि नागरिकों की तकलीफों भरी आवाजाही रहती है। इनकी तकलीफों को जनप्रतिनिधियों ने अभी समझने की कोशिश भी नहीं की। अगर राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने एक बार हृदय की गहराई से आंदोलन किया होता तो एक दिन के भीतर यह समस्या हल हो गई होती। अब जन समस्या के इस मुद्दे को उठाकर AIMIM ने आंदोलन की शुरुआत करते हुए विधायक पाटनी को घेरा है और जनता की आवाज बुलंद की है। खस्ताहाल सड़क की मरम्मत और दिल्ली बेस को खुलवाने लिए AIMIM सड़क के गड्ढों में बैठकर आंदोलन किया है। इस आंदोलन में शहर अध्यक्ष सैयद नसरुद्दीन खतीब, यूसुफ मौलाना, यासिर खान, तौसीफ खान, अजीम शाह, बिलाल अकबर, फौजी असलम, उन्नीवाले शारिक भाई, समीर खान, आवेज खान, अतीक आदि शामिल हुए थे। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार भाई और बहनों बहन को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम दुआ करते हैं कि आपकी दिवाली में आपकी जिंदगी रोशन हो जाए। और आपको बुलाने का मकसद यहाँ पर ये है कि पिछले 3-4 महीनों से हमने इतने निवेदन दे चुके हैं, इतने सारे निवेदन हमारे मेरे पास में पंच जमा हो गए इनके साथ, ये सारे निवेदन हमने दिया है। इसकी ओसी के साथ में है, पाटनी साहब को दिए, कलेक्टर साहब को दिए, तहसीलदार साहब को दिए, गृह मंत्रालय तक पहुंचाया हमने, लेकिन इसमें अभी तक भी हमारा कोई काम हुआ नहीं। और हमारी ये मांग ये थी, सबसे पहली मांग हमारी ये थी कि दिल्ली गेट को खोला जाए। जो दिल्ली गेट है पिछले 4 सालों से बंद है और उसके अंदर लोग इतने सफरर है, स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो रही, उसके बाद में पॉल्यूशन बहुत हो रहा, पेट्रोल जो आम जनता है जिसको जो 5 रुपये में कहीं जाना चाहिए तो वो 25-30 रुपये का खर्च लगता है उसको जाने के लिए, ऑटो वालों को परेशानी है। और यहाँ से हमारे जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं दिल्ली गेट से लेकर तो हाईवे तक, उसमें एक हैप्पी किड्स स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में एक मदरसा चलता है फातिमा मदरसा, उसके बाद में यहाँ पर इसके हॉल करके यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है, यहाँ शादियाँ होती हैं और यहाँ APMC का रास्ता है, तो इतनी भीड़ हो जाती है यहाँ पर और वो रास्ता इतना छोटा है। तो हमने पाटनी साहब से, CEO साहब से कितनी मर्तबा डिमांड की है कि कम से कम आप पर्यायी रास्ता दो और ये रास्ते में इतने गड्ढे हो गए तो ये गड्ढों का आप इलाज करिए, आप जल्द से जल्द इतना फंड दीजिए हमको, रास्ता बनाइए। लेकिन अभी तक के पिछले 3-4 सालों से हम रूटीन हमेशा इनका पार्ट पूरा ले रहे, लेकिन कुछ अभी तक के किसी ने कोई ये नहीं। पटनी साहब ने हमको 15-20 दिन से आश्वासन दिया कि एक मरतबा आ जाता, आकर वहाँ रास्ते का सर्वे करता, रास्ता कैसा होना चाहिए, फंड कितना चाहिए, ये सारा मैं बनाकर